Welcome to the fifth episode of Think About It. सोचो जरा का इस इंस्पिरेशनल सीरीज में हम जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर कहता है, There is nothing either good or bad, but thinking make it so. Thinking is a mental process. सवाल पूछना, प्लान बनाना, अनुभवों को गौर करना, अनुभवों को डिकोड करना, ऐसे कई प्रक्रिया है सोच में। सोचते तो सब है, बट थिंकिंग इफेक्टिवली बहुत कम लोग करते हैं। आज के फिफ्थ एपिसोड में एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में क्या फर्क है? What is the difference between a literate person and an illiterate person? Teacher muskuraya aur kaha, both are same, there is no difference. Kyunki dono hi apne simit gyan ka jugali karte hain. There is no difference between a literate person and an illiterate person because both survive on their limited knowledge. They are like the cow eating the cud because their knowledge is dead. टीचर ने कहा, पढ़ा लिखा होने से बेहतर है पढ़ते लिखते रहना। है ना कमाल की बात? क्या मैं और आप पढ़े लिखे हैं या हम जिंदगी में पढ़ते लिखते रहते हैं? पढ़ते लिखते रहने का मतलब है एक्टिव लर्निंग। ये नॉलेज इज एक्टिव बिकॉज जो था वो है नहीं, जो है वो कल होगा नहीं। व्हाट वॉज देयर It is not here right now, and what is here will not be tomorrow, because the society, the world, the technology, the knowledge is dynamic. तो सोचो जरा, पढ़ा लिखा रहना है या पढ़ते लिखते रहना है? अगले एपिसोड में एक और वाक्य लेकर आपके सामने पेश होगा। तब तक के लिए इन बातों पर थोड़ा सोचते हैं। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू सून।